अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे पिकल, ऑनियन पिकल। तो बहुत ही इजी है, तो चलें बनाते हैं। तो फिर बनाते हैं अपना यमी सा प्याज का अचार ऑनियन का। तो इस तरह इसको काट लेना है, मोटा मोटा ही काट लें, बारीक नहीं काटना। ये मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज लिए और इस तरह से काट लिए हैं। अब हम इसको एक जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो व्यूवर, जिस तरह हमने इसको सारा जार में डाल लिया है, इसमें हम 1 स्पून सॉल्ट डालेंगे। इसको मैंने काट के फैन के नीचे रख दिया था, इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल गया हुआ है। तो अब हम सिरका यूज़ करेंगे और ये एक दिन में ही तैयार हो जाता है। और जब ये बन के तैयार होता है तो इसका पिंक पिंक सा कलर होता है और खाने में इतना यमी है, आप ज़रूर ट्राई करें इसको और मुझे बताइएगा। और अगर तो सिरका आपने यहाँ तक भी इसको फुल भी डाल सकते हैं, मगर इसको इतना टेस्टी होता है, जल्दी खाया जाता है। तो इसको रोज़ इसको ऐसे मिक्स कर लें अच्छी तरह से, तो ये आपका रेडी हो जाएगा। इसका बहुत प्यारा सा कलर आएगा। इसको दाल के साथ और पराठा वगैरह दाल के साथ इस तरह खाया जाए तो बहुत ही यम्मी लगता है। दाल चावल हो तो उसके ऊपर भी डालें, बहुत ही अच्छा है। मैदा वगैरह सही रखता है, ये बिल्कुल ठीक रखेगा, बहुत ही यम्मी है, हाजमे के लिए बेस्ट है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स देखें, मैंने आपसे बोला था इसका लाइट पिंक कलर आ जाता है और बहुत ही यमी होता है, बहुत जल्दी बनने वाला और बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। और ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। गर्मियों में तो बहुत ही मज़ा आता है, चावलों के साथ या रोटी के साथ किसी चीज़ से भी आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।